तो दोस्तों इस गाड़ी में आ गई है एक यूनिक प्रॉब्लम। इसमें होता क्या है, जैसे ही हम गाड़ी का टर्मिनल लगाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, तो गाड़ी की ना हेडलाइट ऑन हो जाती है ऑटोमेटिक। अभी देखो मैं लगा रहा हूँ एंड ये देखिए इसकी ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो गई है। वो वाली ऑन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसका हेडलाइट का बल्ब ख़राब है। ठीक है, अभी मैं जैसे इसका टर्मिनल हटाऊँगा तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज फाइंड आउट करेंगे। एंड ये देखिए टर्मिनल हटाया तो बंद, टर्मिनल लगा दूंगा तो फिर से जल जाएगी। अभी हटा दो। तो इसमें देखना पड़ेगा, इसमें इसका BCM ख़राब है, वायरिंग का इशू है, क्या है, एंड उस चीज़ को आज फाइंड आउट करेंगे एंड ओके करेंगे गाड़ी को। तो सिस्टम लगा लेते हैं, वैसे भी दिखाऊंगा एंड प्रॉपर एक एक चीज़ क्या 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 चीज़ देखनी चाहिए हेडलाइट से रिलेटेड। रिले वगैरह ख़राब तो नहीं है, फ्यूज़ ख़राब तो नहीं है। रिले तो इसकी बिल्कुल ओके है, फ्यूज़ भी ओके है। इस कंडीशन में हमें ये पता चल जाता है कि अगर टर्मिनल लगाया है, लगाते ही हमें कंफर्म हो गया कि फ्यूज़ भी सही काम कर रहा है, रिले भी बिल्कुल ठीक है और गाड़ी की वायरिंग में भी कोई इशू नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हेडलाइट इसका ऑन हो जा रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्विच भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं हो सकता या तो वो ख़राब ही होगा, काम ही नहीं करेगा कॉम्बिनेशन स्विच। अभी हम सिस्टम लगाएंगे एंड BCM चेक करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो